में मैं यहाँ का ग्राम प्रधान चुना गया अपने गांव का। दो पंचवर्षीय में ग्राम प्रधान रहा यहाँ पे। इसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ। मेरा छोटा भाई भी ग्राम प्रधान रहा बगल के गांव से, बीटी से भी निर्विरोध ग्राम प्रधान रहा वो। अब मेरी बहू जिला पंचायत सदस्य है इस समय, वर्तमान समय में भी। छोटा भाई मेरा ग्राम प्रधान है निर्विरोध यहाँ का, ग्राम बिकरू का। और मेरी पारिवारिक पशु, मेरे बाबा भी यहाँ के जमींदार भी थे और ग्राम प्रधान भी थे बाद में हुए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीतिक है, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मेरी पारिवारिक है। मेरी पैदाइशी कही है तो आप पैदाइशी है। देखिए, एक्चुअल राजनीति में लाने का श्रेय, मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे वो। उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। हमारी राजनीतिक जंग में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने किसी को मरवाया हो या किसी को मारा हो या किसी को मारने के लिए प्रेरित किया हो। किसी के ऊपर आरोप लगा देना, आप तो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि मर्डर कहीं होता है, फंसाए कई लोग जाते हैं, मर्डर कोई करता है, उसके भाई, उसके खानदान, उसके परिवार, उसके सब सारे लोगों को फंसाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की एक ये ट्रेंड बन गया है लोगों का राजनीति में फंसाने का, और उसी का मैं शिकार हुआ हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ओपिनियन, आप क्षेत्र में जाइए, हमारे कम से कम विधानसभा, अगर पूरे जिले जिले में नहीं जा पाते हैं तो कम से कम मेरी विधानसभा में जाके और प्रति गांव एक आदमी से सर्वे करिए। खाली विकास दुबे के बारे में व्यक्तिगत है, विकास दुबे का एक काम देखिए, विकास दुबे इस क्षेत्र के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड हैं। हमारे पास सारे हैं, मैं स्वयं की खेती कराता हूँ, स्वयं का मेरा व्यापार है, स्वयं का मेरा स्टेट कारपोरेशन का काम है, मेरा आर्थिक भी है। आज तक मैंने कोई आर्थिक ऐसा नहीं कि मैंने कोई आर्थिक अपराध कराया हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हूँ। आरोप लगा देने से ही कोई अपराधी उड़ान नहीं हो जाता है। विकास दुबे के वर्चस्व को कम करने के लिए ये सारे मुकदमे फर्जी लगाए गए, जो कि अदालत में सारे खत्म हो चुके हैं। दो चार मुकदमे अभी ट्रायल पर हैं जिनका मैं फेस कर रहा हूं, और ट्रायल होने के बाद जो भी अदालत निर्णय करेगी उसको मान्य करूंगा। मेरे मेरे हिसाब से 45 मुकदमे आज तक मेरे ऊपर खिलाफ कायम किए गए, गैंगस्टर के हैं, गुंडा एक्ट के हैं, पुलिस के। अभी अभी आपने बताया सहारनपुर में साहब, दिखाया कि साहब वो गैंगस्टर में वहां से वांछित थे, चूरन, नशे का चूरन खा रहे थे। आप जो आदमी अपने पूरी लाइफ में जिसने चाय ना पी हो, 22 साल से चाय ना पीता हो, उस आदमी को नशे का चूरन खाते हुए बता रहे हैं। आप सोच समझ सकते हैं कैसे मुकदमे पुलिस लगाती है, ये पुलिस स्वयं जानती है। देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और बेबुनियाद बातें हैं। संतोष शुक्ला की ना तो मैंने हत्या की और ना कभी मैंने उनका हत्या का ख्याल लाया मेरे जीवन में। और मैं भी उनसे, जिन लोगों ने हत्या की है उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। किन्हीं लोगों ने भी की हो उनकी हत्या, चूंकि राजनीति में वर्चस्व में इतनी है, लेकिन संतोष शुक्ला की छवि चूंकि हमारे यहाँ अच्छी नहीं थी। संतोष शुक्ला के विकास दुबे के कोई दुश्मन नहीं थे। संतोष शुक्ला ने जिन 50 लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ जबरिया जेल में बंद कराया फर्जी मुकदमे लगवा के, हो सकता है उन्हीं में से कोई उनका इंटेंशन रहा हो। और इवन यहाँ तक मालूम है कि संतोष शुक्ला के परिवार में खुद संतोष शुक्ला ने 4 मर्डर करा रखे हैं अपने परिवार में। ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी बता रहा हूँ। संतोष शुक्ला ने अपने 2 भाइयों और अपने चाचा का मर्डर भी करा रखा है अपने गाँव में, और इनके गाँव के लोग भी इनके विरोधी है। वो हमारी विधानसभा के रहने वाले नहीं थे, लेकिन इनके गाँव के, और आज भी उसमें से एक आदमी फरार है। इनकी हत्या के उद्देश्य से फरार हुआ था, रमाकांत शुक्ला, जो इनके परिवार का ही है, ग्राम प्रधान था इनके गांव का, और वो इनकी हत्या के उद्देश्य से कसम खा के ही फरार हुआ था। हो सकता है उसने भी मौके का फायदा उठाया हो।